नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक में। तो आज के ब्लॉग में यह रहने वाला है कि मैं आपको आज मैरिज पैलेस का टूर करवाऊंगा जो कि हमारे ताऊजी ने खरीदा है। तो चलिए दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का व्यू है मैरिज पैलेस का फ्रंट का, और इस पैलेस का नाम है कटोच बैंक्वेट पैलेस प्यारी पहाड़न। तो यहाँ से इसकी एंट्री है और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि शादी, रिंग सेरेमनी, जन्मदिवस, रिटायरमेंट, मीटिंग व हर प्रकार के कार्यक्रम हेतु तो संपर्क करें। आप यहाँ नंबर भी देख सकते हैं कि अगर किसी को कोई भी फंक्शन करवाना हो तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। और ये आगे सिक्योरिटी के लिए रूम है और कैमरा लगा हुआ है साथ में। तो आगे कुछ यहाँ से निकलेंगे और सामने फिर से बोर्ड लगा है, तो आगे से कुछ ऐसा रहने वाला है व्यू। और आज इस पैलेस में एक मीटिंग का भी आयोजन हुआ है, चलिए आपको मीटिंग भी बताते हैं। यहाँ पर मीटिंग लगी हुई है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्या पता आपने कुछ सीक्रेट भी होते हैं मीटिंग के। तो इस प्रकार से ये ताऊजी का पूरा हॉल है। यहाँ पर एक शादी आराम से हो सकती है, मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। कुछ इस प्रकार का ये हॉल है, एक शादी तो इसमें आराम से हो जाएगी। और इनका यहाँ पर खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया है, कुछ इस प्रकार से है। अब चलिए आपको ऊपर का भी नज़ारा बताते हैं कि किस प्रकार से ऊपर का मेंटेन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ डेकोरेट किया गया है। ये रेडीमेड घास, रेडीमेड की असली है अभी मेरे को पता नहीं है। तो चलिए आगे का भी आपको बताते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है इस प्रकार से, यहाँ से आराम से पूरी मीटिंग का आप नज़ारा ले सकते हैं। ये वही हॉल है, वो सामने जैसे किसी की शादी है तो वहाँ पर वेद लग सकती है, लगन वेद जो होती है, और सामने स्टेज होगा उस साइड, ठीक है जी। बाकी का आगे बताते हैं आपको। और एक कमरा ये है, अभी यहाँ फर्नीचर लगेगा, थोड़ा बहुत तो लग चुका है, बाकी बेड वगैरह लग जाएंगे एक दो दिनों में। और ये एसी वगैरह है कुछ करके, और ये यहाँ पूजा स्थल मंदिर बना के रखा है, और ये वॉशरूम है। हर रूम के साथ एक वॉशरूम कनेक्टेड है, तो वॉशरूम का भी कोई इशू नहीं है इस मैरिज पैलेस में। तो जैसे ये वॉश बेसिन है, और ये अंग्रेजी वीआईपी लैट्रिन सीट रखी हुई है, और ये एक गैलरी जैसी है। तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना हम करवाते हैं, बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा जब भी अगला पार्ट आएगा इस मैरिज पैलेस का। आज तो एक ही पार्ट आएगा, जितने में ये कवर हो सकता है उतने में ही मैं पहला पार्ट कवर कर दूंगा, बाकी का आपको बाद में बताएंगे। और अब हम आपको बताते हैं दुल्हन का रूम। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का कुछ दुल्हन का रूम है। वाह, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, ये काफ़ी खर्चा आया है इस पर भी। इस प्रकार का रूम है, फैन, बाकी एसी, पूरी अलमीरा भरी है। देखो लैंडलाइन फ़ोन भी है यहाँ पर, ठीक है जी। और ये है
यहाँ LCD लगेगी अभी 2-4 दिनों में। और ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है ये शायद जलता भी है, मैं देखता हूँ, अगर जलेगा तो आपको बताता हूँ फिर मैं। नहीं जला, हाँ जल गया। तो ये रात के समय में बहुत ही अच्छा जलता है, मतलब पूरे कमरे में लाइट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ट्यूब या बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती है इसके चलते। तो बेड भी लग चुके हैं, मतलब सॉरी बन चुके हैं, तो वो भी 1-2 दिन में यहाँ लग जाएंगे। आगे का कुछ इस प्रकार का ये आगे मिरर है, ये भी शायद अलमीरा ही है। और ये देखिए फिर से एक और वॉशरूम उसी प्रकार का, साथ में गीजर की सुविधा सब कुछ है। और एक और हॉल, सारा फर्नीचर तैयार हो चुका है, बस अब लगाने की देरी है, वो भी लग जाएगा। ठीक है जी। और AC हर रूम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, आगे बताते हैं। तो ये वाला रूम है, अभी इस रूम में कलर हुआ है। तो यहाँ पर आप विशेष तौर पर भी अगर छोटी मोटी पार्टी करनी है 5-10 बंदों की, मतलब किसी भी प्रकार की, कोई अपने वाइन वगैरह की पार्टी करनी, तो वो भी यहाँ हो सकती है, बड़े आराम से होगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक यहाँ टेबल रखा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, उसके ऊपर हम आराम से पार्टी कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड किचन भी है, देखिए इस प्रकार का गीजर भी है, सिंक। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो ये नीचे पार्टी लगी है तो इनके लिए खाना कहाँ पर बन रहा है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर इन मीटिंग वालों के लिए खाना बन रहा है। और ये हमारे शेफ, यहाँ के परमानेंट शेफ है यहाँ पर, यहाँ के, और हमारे गांव में यही खाना बनाते हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या सब्जियाँ बनी हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर माँ की दाल बनी है, ये देखिए। अभी अगला बताते हैं कि आगे क्या बना हुआ है, आगे की सब्जी ये देखते हैं। अब ये है क्या, ये है चने की दाल, और ये है क्या, ये मदरा आलू और चने का। और ये बनी है कड़ी, कड़ों वाली। और ये बने हैं राजमा, देखिए कितने गाढ़े हैं। और आगे बन रही है ये चाय, ये जलपान के लिए, और साथ में बिस्किट रखे हैं। और ये आगे यहाँ स्टेप्स हैं, आपको मैं ऊपर का नज़ारा बताता हूँ। कुछ इस प्रकार का नजारा है ऊपर से, फ्रंट से देखिए क्या बढ़िया व्यू है। और ये आगे का बहुत ही खुला सा एरिया है। और दूसरी शादी यहाँ पर भी बड़े आराम से और खुले तरीके से हो सकती है, बस अभी 7-8 दिनों में यहाँ ऊपर छत भी डल जाएगी, चाहे वो टीन से डले या किस से डले वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डल जाएगी। यहाँ वो 4 वो लगाए जाएंगे पोल, 4 के 5 जो भी लगेंगे, 8-10-12, तो उस प्रकार से ऊपर छत डाल दी जाएगी। और यहाँ पर भी आराम से बड़ी खुली शादी हो सकती है, देखिए बहुत ही खुला एरिया है। और आराम से यहाँ पर कम से कम 200-250 गाड़ियाँ खड़ी भी हो जाएंगी, बस ये थोड़े समय में इसको भी उखाड़ देंगे, इस टीन को,
और ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ के मैरिज पैलेस के ऑनर का ही है। तो यहाँ पर भी आने वाले समय में पूरा खुला एरिया बन जाएगा ये। और ये डिपेंड करता है कि एक टाइम पर यहाँ कितनी शादी हो रही है। अगर एक टाइम पर एक ही शादी हो रही है तो फिर जो गाड़ियों की पार्किंग है वो यहाँ भी लग सकती है आके इस एरिया में भी। कुछ इस प्रकार का व्यू है, आपको आगे चल के बताते हैं। और इस टॉप पर आने के लिए आप सोच रहे होंगे कि गाड़ियाँ कैसे आएंगी, तो यहाँ से नीचे के लिए सड़क भी बनी है। काफ़ी खुला एरिया है और ये पूरे का पूरा रसोई घर है। ये अंदर जाके एक और कमरा है, तो आगे जाके बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन अभी कंडीशन है नहीं बताने वाली, तो ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो है वो आगे तक, रुको मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा 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 जहाँ पीछे से मैंने बताया कि आप देखते रहिए, वो आगे तक जो शटर खुला है, ये यहाँ पर दूसरा हॉल बनेगा मैरिज का। यहाँ पर एक शादी आराम से हो सकती है, लेकिन अब इसको रेनोवेट होने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये जब भी रेनोवेट होगा ये आपको पार्ट दो में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी समय लगेगा। अभी पार्ट वन में आपको जितना देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अभी फ़िलहाल के लिए एक शादी तो आराम से हो सकती है यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ तैयार हो चुका है एरिया पूरा। और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग सर्विस, यहाँ पर सिर्फ गाड़ी खड़ी करनी है और ऊपर से पानी आता रहेगा इन मशीनों से द्वारा, और यहाँ आराम से गाड़ी भी धुल सकती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर हमारे ताऊजी का कैबिन है, कुछ इस प्रकार से यहाँ एसी लगा हुआ है। यहाँ पर एसी की कोई कमी नहीं है, एसी हर रूम में आपको अवेलेबल मिल जाए। और ये लैपटॉप। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर प्रकार के लोग आकर यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो लोग अमीर हो, चाहे मीडियम हो, चाहे इससे नीचे हो, यहाँ पर हर प्रकार के लोग आके अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। वो डिपेंड रहेगा आपके ऊपर कि आपका कितना रेट है, उस प्रकार से उस रेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर फंक्शन हो सकता है। चाहे आप बोटी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा, चाहे आप शेफ़ के थ्रू करवाना चाहते हैं या कैटरिंग के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका कितना रेट है। मेरे कहने का तात्पर्य कि हर प्रकार के लोग, मतलब चाहे वो अमीर हो, मीडियम हो, चाहे इससे नीचे हो, मतलब हर प्रकार के लोग आकर यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं रेट के तौर पर कह रहा हूँ, बाकी मेरी बात का अन्यथा ना लें। तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले सुंदर।